आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं मुंबई की गलियों में, क्या खाए पिएंगे बताएंगे मौजा। भाई जुहू की जो है हम आज आपको जो है स्ट्रीट फूड खिलाएंगे और टाइटल है पाकिस्तानी ईटिंग स्ट्रीट फूड इन मुंबई। वैसे मौजा ने जैसे जुहू बोला ना मुझे कुछ और ही साउंड किया था। एनीवे गाइस देख लेते हैं ये वीडियो लेकिन सबसे पहले इस वीडियो से नया और चैनल का आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल के Instagram लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अरे भाई यहां पे तो दुकानें ही दुकानें हैं, फूड स्ट्रीट है पूरी। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये व्यू है? ओए हो, हवा पुलाव, पाव भाजी, और ये देख, और ये देखे फूड कोर्ट के बीच में से एक व्यू आता है, ये देखे भाई मुंबई की फेवरेट पाव भाजी। क्या जी, वन एंड ओनली दही पूरी। तो भाई जो हम गोला गंडा बचपन से खा रहे हैं यहाँ पे आई रहा। तो भाई मैं क्या कर रहा था पहले, इसको स्ट्रॉ की तरह पी रहा था। जी तो दोस्तों जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने बहुत ही गहमा गहमी वाले जुहू चौपाटी बीच पे कितना एंजॉय किया, लेकिन जो एक चीज मिसिंग थी वो थे वहाँ का स्ट्रीट फूड। तो स्ट्रीट फूड हम नहीं खा सके थे इतना ज्यादा। तो आज के ब्लॉग में हम जुहू चौपाटी की वर्ल्ड फेमस, इंडिया में मोस्ट फेमस जगह कह सकते हैं, मुंबई में तो है ही, जाएंगे फूड कोर्ट और ट्राई करेंगे वहाँ पे डिफरेंट डिशेस। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो एंजॉय कीजिए। देखे जी ये पाव भाजियां बन रही हैं, जबरदस्त किस्म का स्ट्रीट फूड। और क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये व्यू है? ओए हो, लेवल है भाई। एक पाव भाजी, एक तवा पुलाव, तवा पुलाव, पाव भाजी, और ये देख बहुत आला। और इस तरह ये प्लेट में पत्तों में रख के दे रहे हैं। क्या क्या है, क्या क्या भैया आपके पास, क्या क्या चीज़ है? पाव भाजी है, डोसा है, राइस है, वड़ा पाव भी है। वड़ा पाव नहीं है, कहाँ से मिलेगा अच्छा वाला? कहाँ से? तो भाई ये पूरा एक फूड स्ट्रीट बनी हुई है और उसके बीच में हो, यकीन करें बीच के सामने ये देखें, बहुत ही अलग सीन है ये। भाई जो जो कराची से देख रहा है अगर कोई मुझे, तो गोला गंडा चेक करो शॉप। ओए होए लेवल है भाई, चेक करो गोले किस किस टाइप के, वाह। अरे बचपन की याद आई मुझे देख के, अब तो हर मोटर लगी है। फ्लेवर चेक करें भाई, और ये देखे फूड कोर्ट के बीच में से एक व्यू आता है, ये देखे सी, क्या बात है, क्या बात है। और फिर आपका दोबारा फूड चले, क्या क्या लगा रहे हो भैया? वड़ा पाव, ये भाई वड़ा पाव बन रहा है, चौपाटी बीच का फेमस वड़ा पाव। सॉसेज डाल रहे हैं, ये पाउडर खाया था और उसमें बड़े फ्राई हो रहे हैं, वो बड़ा निकाला उन्होंने, क्या बात है। ये ये है जी बड़ा, वाह। तो भाई जैसे बड़े से तवे पे वो भाजी को जिस तरह एक ट्रेडिशनल स्टाइल में मिक्स कर रहे थे भाई, वो नेक्स्ट ही लेवल का था, मजा आ गया था देख के। ये पड़े हुए भाई पाओ, ये है भाजी, क्या बात है। यहाँ पे देखें मंचूरियन क्या क्या बन रहा है, देसी, मुंह में पानी आ रहा है, पता नहीं कैसा तवे से मारे यहाँ पे। तो जो स्ट्रीट साइड का मंचूरियन रहता है मुझे नहीं पसंद, हाँ मुझे भी नहीं पसंद। और ये फेमस वड़ा पाव चपाटी बीच का आ गया है, ये डाल के देते हैं हमेशा ये, लेकिन मुझे भाई मिर्ची लगती है तो मैं
बहुत कम खाते हैं, जिसको तीखा कहते हैं। खाते हैं भाई मुंबई का, बड़े लोगों ने कमेंट किया था मुंबई का वड़ा पाव और ये भेल पूरी और पाव भाजी खाओ, तो वड़ा पाव मुंबई के ट्रेडिशनल फूड। लग रहा बारिश हुई है। ओए यार, मुझे नहीं पता ये जगह कितनी फेमस है। मेरी नो डाउट बहुत ही आला है। देखें फुल क्रिस्पी ऊपर से, ये बहुत सारे सॉसेज और अंदर से ये चेक करें भाई, फुल लेवल की गेम है, लेवल की। बहुत भूख लग गई है मुझे भाई, मत दिखाओ। मजा आ गया भाई जान। आपने फिर भी रोटी खाई है? मैंने कब खाई है, मैं तो ओट्स खाए हैं। इतना रस है तो खाते खाते प्लेटें क्लियर कर रहे हैं। अच्छा ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, तो जिसको थोड़ा स्पाइसी पसंद है वो ये डाल सकता है, और जिसको कम स्पाइसी पसंद है मेरे जैसा तो कुछ डाले बगैर ही खाए। नाइस नाइस वेरी नाइस भाई, 10/10 पूरे मार्क्स, बहुत कम चीज़ों को मिलते हैं। हमने 10+ ठीक है। लो भाई मुंबई की फेवरेट पाव भाजी, वैसे मुंबई की क्या इंडिया की फेवरेट, पहली दफ़ा मैं खाने लगा हूँ, या शायद मैंने दिल्ली में एक दफ़ा खाई थी तो याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत लोग कह रहे थे भाई आपने पाव भाजी खानी है। आई थिंक हल्दीराम में खाई थी, यस हल्दीराम। तो बहुत से लोग, नहीं वो भेलपुरी थी, सॉरी मिक्स कर रहा हूँ, वो भेलपुरी थी। पाव भाजी मैंने अभी तक खाई, तो खाते हैं पाव भाजी। तो ये भाई पाव है, ये बड़ा आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट सा पाव है, बड़ा पाव से डिफरेंट है। ऊपर इन्होंने कुछ लगाया हुआ है, आई थिंक गार्लिक है, बहुत ज़्यादा बटर, और ये मिक्सचर ऑफ सो मैनी थिंग्स भाई, मटर अपनी, आलू, मक्खन डाल रहे थे, सो मेनी वेजिटेबल्स, और ये साथ कच्ची प्याज और नींबू, क्या बात है। तो हम यहाँ रखते हैं पाव को, तोड़ते हैं। काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं आपको खाना नहीं आता, तो भाई जैसा भी खाना आता है मैं तो इसी तरह खाऊंगा, रोटी सालन की तरह, क्योंकि हम लोग नॉर्मली ऐसे खाते हैं, सीख लेंगे लोग चम्मच के साथ डालते हैं ना, मैंने देखा। अभी वैसे ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, देखते हैं कितने कमेंट्स हैं इसके पीछे, बहुत से लोगों ने किए। डेफिनेटली अलग है, अगर मैंने पहले खाई भी हुई है उससे बहुत अलग है। दूसरा निवाला खाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये ऐसे ही खा रहे हैं लोग, तो बाद में कोई कंप्लेन ना करें, मैंने आसपास देखा है ऐसे ही खा रहे हैं। एक खटास सी आ रही है, जिस तरह वो बना रहे थे गरम गरम, उसका एक एक चीज़ का जायका आ रहा है। डेफिनेटली मैंने पहली दफ़ा खाई थी, मुझे लगा था मैं दोबारा नहीं खाऊंगा, अच्छी नहीं लगी थी, ये वाकई बहुत अच्छी है। चौक वाटी बीच पे आई थिंक कहीं से भी ले लो यहाँ पे मुंबई में, तो अच्छी मिलेगी नो डाउट, चमचे से भी खा सकते हो। बुढ़िया बहुत अच्छी भाई, ये दही पूरी पानी पूरी का भी है। ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या है? ये रगड़ा। तो भाई दही पूरी ऑर्डर की है, दही पूरी बना रहे हो? भाई दही पूरी खाने का तो अपना मजा है, लेकिन जो बनते हुए एक आप में जो एक टेम्पटेशन पैदा होती है ना, उसका नेक्स्ट ही लेवल होता है। लो जी वन एंड ओनली दही पूरी, वैसे ये दिल्ली में जो खाई थी ना, इतना हाई स्टैंडर्ड हो चुका है भाई उसका। देखते हैं चौपाटी बीच पे मुंबई में पहली दही पूरी कैसी है, तो खाते हैं थोड़ी सी फिर आपको बताते हैं। चमचे से, बड़े लोगों ने कहा चमचे से क्यों खा रहे हो, चमचे से भाई चमचे से खाएंगे ना, दही पे हाथ वाथ सारे, हाथ से बेहतर चमचे से ही है, तो खाते हैं फिर बताते हैं आपको। बहुत मजे की है, लेकिन दिल्ली वाली ज़्यादा अच्छी थी नो डाउट। वो जो अशोक की मैंने खाई थी, और जो और कौन सी नाम मैं भूल गया, शर्मा जी की खाई थी, बहुत मज़ेदार थी। तो कम से कम दही पूरी के मामले में मेरा ख्याल दिल्ली आ गई है, हो सकता है कहीं और से खाऊं तो ज़्यादा बेटर मिल जाए, लेकिन अभी तक ये पहली है तो देखते हैं। चौपाटी बीच के मुकाबले में दिल्ली की लगाएँ तो अच्छी, बहुत बहुत फ़र्क। तो भाई जो हम गोला गंडा बचपन से खा रहे हैं यहाँ पे, उसको गोला ही कहते हैं, गंडा नहीं कहते। और ये वाला काला, मैं समझा पहले काला कट्टा, कट्टा बता ना पंजाबी में क्या होता है, ये काला कत्था है बेसिकली। तो ये देखते हैं, सबसे फेमस है इसका, एक सिप लेकर देखते हैं कैसा है, तो ये भी ट्राई कर लें मुंबई का।
आ ही रहा। तो भाई मैं क्या कर रहा था, पहले इसको स्ट्रॉन्ग की तरह पी रहा था, फिर पता लगा ये अपना देसी तरीके से बेसिकली कप दिया हुआ ताकि नीचे लीक ना हो। तो ये वाकई भैया टेस्ट क्या है, काला तक्का तो लेवल का है भाई। ये किस चीज का है, क्या क्या इमली क्या चीज है? जामुन है, जामुन, जामुन का, जामुन का बहुत ही यूनिक टेस्ट आ रहा है। देखिए जिस तरह सर्दियों में गर्म चीज से धुआं निकलता है, गर्मियों में ये देखें ठंडी चीजों से धुआं निकल रहा है। नो डाउट यार, इसमें ऐसे इन्होंने रस डाल के दिया हुआ है, आपके बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा है। हम यूं करते हैं, पूरा डिप होता है, ये देखें ऊपर तक डिप होता है। वाह, दोबारा है, बताया तो था कॉन्सेप्ट। ये लेवल है बॉस, लेवल है जबरदस्त। तो भाई गोला गंडा एक सरप्राइजिंग सी चीज़ थी मेरे लिए, जो बचपन में खाते थे, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और इतना मज़ेदार चौपाटी बीच का, तो भाई बल्ले बल्ले। अच्छा भाई ये था हमारा चौपाटी का बीच का विजिट और यहाँ के खाबे छाबे, मज़ा आ गया। क्या रौनक थी, क्या इन्वायरमेंट था, क्या वाइब थी। मैंने ऐसा इन्वायरमेंट आज तक इन्जॉय नहीं किया किसी बीच में। तो भाई कभी भी मुंबई आए, वैसे कहने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली आपने आ रहे हैं, फिर भी कह रहा हूँ अगर कोई बंदा मिस करने का सोच रहा है तो ये जगह मिस ना करे, कमाल ही जगह। तो ऐसे ही मुझे प्यार करते रहें, मोहब्बत करते रहें, मोशी भाई का ख्याल रखते रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे मुंबई के और बहुत से ब्लॉग से मिलूंगा, बहुत सी जगहों पर जाऊँगा। अपना और आस पास वालों का ख्याल रखें। साइनिंग ऑफ। भाई जिंदगी में क्या है, खाना। दुनिया में आए हैं खाने, दुनिया से जब जाएंगे तो बाकी तो खाएंगे खाने, लेकिन जो है अभी भाई इस खाने की बात है तो वाकई भाई जो पाव भाजी है ना, वो मैंने सुना यही है कि जो क्या मुंबई की और वो एक वड़ा पाव, ये दोनों मुंबई का बहुत फेमस है। वड़ा पाव, ये कौन सा वड़ा पाव, वड़ा पाव यार। बट मुझे ऑनेस्टली बोलूं, मैंने खाया तो वैसे मुंबई की दोनों नहीं है, हम लोगों ने तो यहाँ पर ही खाए थे। तो बट रेप्लिका तो रेप्लिका होता है ना, तो वो तो आलू की टिक्की बीच में चटनी दूसरी डाल देते हैं, लेकिन ये वाली ग्रीन चटनियां और मसाला सा जो डालते हैं, मुझे तो टेस्ट बाकी में बहुत डिफरेंट। सही बात है, यहाँ पे तो कहना पड़े अपना ही वड़ा पाव चिकन बीच में डाल के वड़ा पाव चिकन डाल देते हैं, लेकिन भाई जो चीज यहाँ की ऑथेंटिक होती है वहाँ का जो है वो खाने का आपको मजा आता है। जैसे साउथ इंडियन फूड जो है, आपको साउथ इंडिया में जो टेस्ट मिलेगा वो आपको शायद उसके नॉर्थ इंडिया वाली साइड पे उस तरह जो है वो ना मिले, और जो इंडिया में फूड मिल रहा है पाकिस्तान में तो वो एक्सपेक्ट ही ना करें। हाँ, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि भाई कराची का फूड जो है ना वो आपको जो है डिफरेंट लगता है, मजे का लगता है, क्योंकि हमने जो है ना जितनी बार भी डोसा खाया है हमें जो है ना एक मजा आया उसमें, जो मसालों का जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है ना, वही स्पाइस फ्री की बात कर रहे हो, बिल्कुल। हाँ, जो मसालों का फ्लेवर है वो बहुत यूनिक सा, डिफरेंट सा आपको लगता है। इवन की चटनियां उनकी आप खा के देखे, वैसे सांभर जो है वो तो नहीं मुझे इतना ज्यादा पसंद आया, लेकिन जो कोकोनट की चटनी है ना वो मैं लिटरली भाई वो चार्जे बनता। सांबर भी अच्छा होगा, इट्स जस्ट कि हम लोगों ने कोई ऑथेंटिक जगह से उस तरह से ट्राई नहीं किया। हालांकि जब मलेशिया में हम लोगों ने ट्राई किया था ना, क्या उसको बोलते हैं, नहीं सांबर, साउथ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, बनाना लीफ पे, नहीं बनाना लीफ वाला तो बहुत ही मजे का था ना, सारा खाना बहुत ज्यादा अच्छा था। जो हम लोगों ने डोसा ट्राई किया था वो थोड़ा सॉगी सा था, वहां पर मुझे इतना पसंद नहीं आया था, बट ये कि यहाँ पर जो मैंने खाया वो मुझे मजे का लगा। बाकी दोबारा से चांस मिलेगा तो बिल्कुल खाऊंगी। वड़ा पाव मेरा बहुत खाने का दिल करता है, उसका रीजन ये कि जो आलू की टिक्की होती है ना, मतलब हमारे यहाँ पर आलू की टिक्की बड़ी पसंद की जाती है, मतलब मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद है। और आलू की टिक्की बेसन लगा के बचपन में भी स्कूल के टाइम में बहुत ज़्यादा खाई हुई है, नान टिक्की और ऐसे ही, और टिक्की होती थी बेसन वाली, मतलब आलू के साथ। लेकिन ये है कि साथ में जैसे हरी मिर्च दी जाती है, देख प्रेजेंटेशन देख कर ना आपके मुँह में पानी आ जाता है। और मुझे वैसे ऐसा लगता है मुझे वड़ा पाव जो है वो शायद ज्यादा पसंद आए, क्या से बोलते हैं जो दूसरी वाली आइटम थी, पाव भाजी से। हालांकि क्योंकि पाव भाजी जो मैंने घर पे बनाई मुझे मजा आता है वो खाने का, बट मुझे लगता है जब किसी ऑथेंटिक बंदे के हाथ से खाऊंगी ना तो और ज्यादा स्वाद आ जाएगा। अच्छा वैसे मैं बात करूं मैं तो जो है ना जो दही दही पूड़ी जो है वो भी खाने का जो है वो मजा है, क्योंकि वो मजे की जो है यहाँ पे भी जो खाई है वो भी मजे की होती है। राजकचौड़ी भी जो है आपको मजे की जो है वो, राजकचौड़ी का मुझे ये चीज अच्छी लगती है अंदर उसके, बहुत आपको जो है ना फ्लेवर जो है। लेकिन पता है कॉमेंट में बोला था कि राज कचौरी में ना दही कम है, मुझे ऐसा लगता है कि राज कचौरी जैसी बनती है ना आपको फौरन से खा लेनी चाहिए, वरना वो भी थोड़ी सी चूस जाती है तो
क्योंकि दही तो उन्होंने डाला था ना मोजा। हाँ, दही नहीं, वैसे ना बाकी उन्होंने दही जो है वो थोड़ा कम डाला था, क्योंकि मैंने वो जो बॉम्बे चपाती से खाई थी ना उनका उसमें दही जो है आपको काफी ज्यादा था, और जैसे टूट गई थी ना वो टूटी भी नहीं थी, तोड़ना पड़ रहा था। खाएंगे हम नेक्स्ट टाइम, ओके। हाँ जरूर, क्यों नहीं। फिर मुझे वैसे जो है ना, मैं मिसल पाव जो है वो जिंदगी में जो है ना जरूर खाना चाहूंगा, क्योंकि वो देखा था उसमें वाइल्ड लेंस बाय अब्रार जो है उनकी वीडियो में, हाँ उन्होंने बड़ी तारीफ की थी। सेव पूरी तो यहाँ पर जो है वो रेस्टोरेंट्स में जो है ना डेकोरेशन पीस के तौर पर आपको मिलती है, तो वो तो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो है भाई, जो इस तरह के आइटम्स है ना वो आपको कम ही जो है वो देखने को मिलती हैं। बाकी मैं जिस तरह का व्यू था अगर उस हिसाब से बात करूँ तो भाई मेरा ख्याल है परफेक्ट लोकेशन है, अच्छे मौसम में, बारिश वाले मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा है। अच्छा, वैसे मैं जब भी जाती हूँ ना इंडियन फूड खाने के लिए भी, तो उत्तपम भी उसमें होता है, हालांकि मैं चाहती हूँ कि मैं ट्राई करूँ, बट पता नहीं क्यों हर टाइम मेरे ना आंखों के अगर मेरे माइंड में ना डोसा ही चल रहा होता तो मैं वो ही दोबारा से ले लेती हूँ, मुझे मज़ा ही इतना ज़्यादा आता है वो खाने का। नेक्स्ट टाइम जाएंगे उत्तपम और डोसा जो है ना वो दोनों ले लेंगे बिल्कुल, और साथ में राज कचौरी ट्राई करेंगे वहाँ की, जहाँ ठीक है। और बाकी आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में भाई के जो जो इस बीच पर गया है और खाने खाए हैं, कैसे खाने हैं। वैसे गोले की मैं अगर बात करूँ, आजकल के बच्चों को ऐसे गोला खाना नहीं आता, क्योंकि रिसेंटली मैंने एक्सपीरियंस किया है हरीम जारू के साथ ना, उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से गोला खाना है। मतलब हमारे बच्चों को स्ट्रॉ लगा के वो वाला गोला जो उनको लगता है ऐसे बर्फ की तरह खाना होता, मतलब जैसे आइसक्रीम खाते हैं ना तरह। एग्जैक्टली, सो ये एक डिफरेंस है मैं कहूँगी आज के टाइम के बच्चों में और पहले हमारे लोगों के बीच में, बट ये कि मुझे लगता है मज़ा आता है आज भी गोला खाने का, वो मज़ा बहुत आता है। बाकी आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा फूड है यहाँ पर, इसी साथ मिला करें।